यमुनानगर के कांजापुर स्थित 12 मार्च को हाई स्कूल में छेड़छाड़ के मामले में यहां पुलिस ने स्कूल प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई कर दी थी। तो वहीं स्कूल में हुई मारपीट व तोड़फोड़ को लेकर पुलिस ने लड़की पक्ष की और भी मामला दर्ज कर लिया था, जिसके चलते पुलिस लड़की पक्ष के लोगों को गिरफ्तार करने के लिए उनके घर तो पहुंची, लेकिन पुलिस को देख सदमे में ही पीड़ित के बड़े पापा ने दम तोड़ दिया। पीड़ित के बड़े पापा की मौत की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल ले गई, जिसके बाद वहां लड़की के रिश्तेदारों की भीड़ लगनी शुरू हो गई। वहीं पुलिस इस मामले को दबाने में लगी हुई है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी पक्ष के लोगों को बयान दर्ज करने के बाद उचित कार्रवाई का आश्वासन देकर मृतक का पोस्टमार्टम करवा दिया, लेकिन परिजनों ने चेतावनी दी है कि यदि पुलिस व वकीलों ने फिर से उन पर दबाव बनाया तो वह किसी भी हद तक जा सकते हैं। यमुनानगर से संजय सैनी। कई दिनों से मुखिया जावड़ा वकील उनके साथ कई दिनों से भी बात चल रहा है। कल दो तीन आए बंदे और कहने लगे ये लड़की का केस है जो अपना वापस ले लो, नहीं तो सबको जान से मार देंगे और जो लड़कों को उनका भी अरेस्ट करा लेंगे। तो पिताजी थे अकेले मेरे और मैं तो थाने के काम पर था, तो ये बात मेरे को मेरी वाइफ ने बताई कि ये धमकी दे गए, तो मेरे पिताजी बहुत दबाव में आ गए और दबाव में थे तो इस करके उनकी मौत हो गई सुबह 6 बजे। मामला क्या था लड़की का? मामला छेड़छाड़ का थी सर। ये टीचर थी क्या थे पूरा? ये टीचर थे जी, जो संडे के दिन 12 तारीख को उन्होंने पढ़ाने के लिए बुलाए थे, फ़ोन करके बुलाई थी और थोड़ी देर पढ़ाने के लिए बोला, फिर छुट्टी कर दी बच्चों की, तो उसके साथ गलत की तो उन्होंने कहा कि बुला ले अपने माँ बाप को, क्योंकि दावड़ा जी ने कि अपने माँ बाप को बुला ले, तो लड़की ने फ़ोन करके बुलाया लड़कों घर वालों को, तो मुझे दावड़ा जी हाथापाई करने लगे हम परिवार के साथ, तो लड़की ने बीच में सड़क पे चल दिया, उनको बचाव के लिए बुलाया अंदर, तो हम घर लेके बचाव के लिए। क्या दबाव क्या था जो आज इतने परेशान थे, क्या हुआ भाई? फैसला वापस ले लो और जहाँ से मार देंगे आप लोगों को। दबाव किस किस का था? एक वकीलों का है, दौलत राम दावड़ा जी, यहाँ से वकील पुलिस प्रशासन का है, बार बार अरेस्ट करने के लिए आ रहे हैं। मांग क्या? मांग बस चलते जाए कार्रवाई की जाए, ठोस कार्रवाई दोषी के खिलाफ, दौलत राम दावड़ा जी के खिलाफ, वकीलों के खिलाफ। थाने में दरखास्त प्राप्त हुई थी मरने वाले के लड़के ने दी थी, भाई मेरे पिताजी तनाव में तनावग्रस्त थे और सुबह उनकी डेथ हो गई, हम पोस्टमार्टम करना चाहते हैं, तो हमने उसकी कार्रवाई करके पोस्टमार्टम करा दिया। मामला क्या बता रहे हैं? मामला तो अभी देखो सामने जो आएगा, तफ्तीश चल रही है, छानबीन चल रही है। वैसे छेड़छाड़ का मामला था तो वकीलों वो तो अलग से मुकदमे पहले दर्ज है। क्या मामला था? वो कोई लड़की इनकी छेड़छाड़ दी थी कॉलेज के अंदर स्कूल में, वो ऑलरेडी पहले मुकदमा दर्ज है। उसमें अरेस्टिंग होगी थी सबकी? हाँ उसमें अरेस्ट हो चुकी थी। परिवार कह रहे हैं कि पुलिस गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही थी, डेली घर आ रही थी, इस वजह से टेंशन में थे। वो मामला गांधीनगर चौकी में। मेरा नाम अनुराधा है और मैं कांसापुर की रहने वाली हूँ। मामला है कि 12 मार्च को जो न्यू रामाकृष्णा पब्लिक स्कूल बैंक कॉलोनी में है मायापुरी में, उनके प्रिंसिपल ने जो मेरे को 12 मार्च को 10th क्लास के बच्चों की एक्स्ट्रा क्लास लेने को बुलाया था, इसी बहाने उन्होंने बच्चों की जल्दी छुट्टी कर दी और मेरे साथ छेड़छाड़ की, और उसी दिन मैंने केस भी दर्ज कराया उनके ऊपर। उसी दिन से उन्होंने हमारे परिवार वालों पर दबाव बना दिया कि केस वापस लो या फिर जो बयान मैंने जो दर्ज कराया वो बदल दिया जाए, लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे थे। वो रोज के रोज हमारे घर में पुलिस को भेज रहे थे कि हमारे मेंबर्स को, परिवार के जो मेंबर्स हैं उनको गिरफ्तार किया जाए, लेकिन उन्होंने मेरे पापा को और भाइयों को अरेस्ट किया। जैसे तैसे हमने उनकी बेल कराई, क्योंकि उन्होंने यहाँ से जो है हमारा वकील नहीं होने दिया, तो हमने वकील कुरुक्षेत्र से किया।